बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज ईडी के सामने पेश हुई। ईडी राबड़ी देवी से जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ कर रही है और अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत उनके बयान भी दर्ज कर रही है। हम आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम 14 साल पुराना है। ये घोटाला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली थी। लालू यादव 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री थे। 18 मई को सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। 18 अक्टूबर को चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। इसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पिछले ही दिनों सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया था, जो लालू यादव के रेल मंत्री रहते उनके ओएसडी थे। इस मामले में सीबीआई लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को भी 3 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है। हालांकि वो 3 बार पूछताछ के लिए पहुंचे। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तब उन्हें रेगुलर कर दिया गया। ईडी ने मामले में कुछ समय पहले ही इसमें छापेमारी की थी और 1 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी भी जब्त की थी तथा अपराध से अर्जित 600 करोड़ रुपए की आय का पता लगाया था।